ऐतिहासिक फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, जिसमें अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर मुख्य भूमिकाओं में हैं, आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म राजा पृथ्वीराज चौहान की कहानी को दर्शाती है, जिन्होंने घोर के बेरहम आक्रमणकारी मोहम्मद से भारत की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। आप देखते हैं कि इस फिल्म को देखने पहुंची ऑडियंस का क्या कहना है। Very nice. I think Bollywood is back and Akshay Kumar is back. अरे ही इज फिनोमिनल, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम इट लुक्स लाइक अ पेंटिंग, मतलब जो हिस्टोरिकल एरा डिपिक्ट किया है, जो सिनेमेटोग्राफी है मनुष्य नंदन की, वो बहुत ही अच्छी है। मतलब वो एरा को जिस तरह डिपिक्ट किया, बिल्कुल आपको लगेगा कि आप वो एरा में चले गए। मनुष्य चिल्लर इज अ परफेक्ट ब्रांड ऑफ ब्यूटी, सेंशुअलिटी, ग्रेसनेस एंड ग्रेसफुल है बहुत ही, और एलिगेंस बहुत है उनमें। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना जो रोल निभाया, इतनी उसमें स्ट्रेंथ है। और लास्ट में एक सीन है जिसमें वो आहुति देती हैं, वो भी बहुत अच्छा है। चंद्रप्रकाश द्विवेदी का हमने चाणक्य सीरियल देखा था, उन्होंने पिंजर मूवी भी डायरेक्ट की थी, तो उनसे हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, और ये इट हैज़ एक्सीडेड द एक्सपेक्टेशंस। मतलब इतना अच्छा डायरेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन है। हाँ, संजय दत्त का भी बहुत अच्छा रोल है, और सोनू सूद तो ही स्टैंड्स आउट, मतलब ही इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा रोल है उनका। अच्छी है स्टोरी, वाज गुड। आई मीन बचपन से सुनते हैं पृथ्वीराज जी के बारे में और काफ़ी ये है, बट थोड़ा सा कनेक्टिविटी लैक लगा। सही है, ठीक है, मानुषी छिल्लर एज द फर्स्ट टाइमर ठीक है, और अक्षय कुमार की एक्टिंग मतलब थोड़ा और वो वर्क कर सकते थे ऐसा मुझे लगा, बट फिल्म इज गुड ओवरऑल, इट्स अ पैसा वसूल फिल्म। सोनू सूद एंड संजय दत्त एक्चुअली बैकबोन है फिल्म का, मतलब चंद्रवरदाई जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया और काका कर्ण का, तो वो बैकबोन है फिल्म की अगर देखा जाए। बहुत अच्छी, बहुत कुछ सीखा जाती है यंग जनरेशन को भी एंड हमें भी। बहुत अच्छी स्टोरी भी, बहुत अच्छी एंड एक्टिंग भी अच्छी, मूवीज भी अच्छी, बहुत अच्छी, सुपर है, बहुत बहुत बेस्ट है, बहुत इतिहास के बारे में सब चीज़ अच्छा लगा, और इसमें जितना दर्शाया गया बहुत अच्छी तरह से। अक्षय कुमार का भी अच्छा सीन है, सोनू सूद का तो बहुत ही अच्छा करेक्टर है, और संजय दत्त का भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जितने भी दिखाया गया है बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, पैसा वसूल है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, क्या क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, ब्यूटीफुल बोलते सब कुछ आ गया ना। अरे क्या डायरेक्शन है यार, ऐसी पिक्चर बहुत टाइम के बाद अच्छी पिक्चर थी, हमने इतने 4-5 हफ्तों से जो दिमाग खराब हो रहा था, एक्चुअली धाकड़ पृथ्वीराज बोलना चाहिए इसको, धाकड़, वो धाकड़ गलत था, ये धाकड़ सही है। बहुत जोरदार भाई, बहुत दिनों के बाद मज़ा आया, कम से कम 1 महीना से खराब पिक्चर देख देख के थक गए थे, बहुत अच्छी मूवी बनाई है। अक्षय कुमार की एक्टिंग में तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है, हम लोग को सूर्य गाथा जो मालूम नहीं थी वो जीवंत दिखाई, तो उसके लिए बहुत मजा आया। द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अक्षय कुमार, द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, आई मीन जो एक्टिंग की सर रहे, आई मीन इट्स अनबिलीवेबल, उन्होंने द वे ही हैज टेकन द कैरेक्टर एंड जिस तरह से उन्होंने पूरा मूवी अकेले जो पूरा पुल ऑफ किया है, टू गुड, टू गुड। संजय दत्त एंड अक्षय कुमार का बॉन्ड वॉज जस्ट टू गुड, इट वॉज शोन लाइक दे हैड अ काका एंड यू नो नेफ्यू वाला रिलेशनशिप, एंड संजय दत्त अगेन ही वॉज लाइक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, बट आई थिंक अक्षय कुमार किल्ड इट। उनकी एक्टर लगी नहीं कि उन्होंने कोई उनकी पहली मूवी थी एक्चुअली, दैट वॉज द गुड पार्ट अबाउट हर एक्टिंग, दैट उनकी लगी नहीं पहली मूवी थी उनकी एक्चुअली। म्यूजिक कुड हैव बीन बेटर, जो उनका मेन सॉन्ग था, थीम सॉन्ग था, वॉज जस्ट अमेजिंग, बट म्यूजिक कुड हैव बीन बेटर। अक्षय कुमार सर की एक्टिंग तो जो उन्होंने जो किया उनके हिसाब से वो सही किया, पर हमारे हिसाब से थोड़ा एक्सपेक्टेशन उनसे और था, कि मतलब ये स्टोरी, मतलब जो सीरियसनेस था जो उनका शुरू से लास्ट तक बना रहा, और हम जो अक्षय कुमार को जानते हैं वो अक्षय कुमार थोड़ा सा उसमें। सर फिल्म के डायरेक्शन की बात की जाए तो कैसे रहा डायरेक्शन, इतिहास में जितना पढ़ाया गया हमें पृथ्वीराज चौहान, डायरेक्शन में भी उन्होंने, डायरेक्शन टीम ने मुझे लग रहा है कोशिश तो की है, पर मतलब जो एक्सपेक्टेशन था जैसे बाजीराव मस्तानी हो या ये सब हो, उस टाइप से जो स्टोरी के हिसाब से इन्होंने जो भी मेकिंग किया, जो भी किया वो ठीक ठाक, लेकिन और अच्छा किया जा सकता था। एंडिंग जो मतलब क्लाइमेक्स जो था, क्लाइमेक्स थोड़ा मतलब सिर्फ दिखाया गया कि हाँ वीर गति को इस तरीके से मतलब लड़ते हुए मरे,
आखिरी सांस तक वो दिखाया गया। लेकिन और कंट्रोवर्सी जो स्टोरी टू स्टार्टिंग टू एंड जो था वो क्लियर दिख रहा था कि हाँ इनका दो घंटे में जिस तरीके से, हो सकता है कम समय के वजह से किया हो, पर उसमें भी और कुछ थोड़ा सा डाला जा सकता था जो उनके उनके लिए मतलब जो स्मरण उनको किया जा सकते उस हिसाब से। फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे, और बेस्ट पार्ट इस फिल्म का ये था कि ड्रामा को कट करते हुए चंद्रप्रकाश द्विवेदी जो है उन्होंने इस फिल्म को इतना क्रिस्प रखा है। 2 घंटे 15 मिनट की स्टोरी लाइन है और इतने क्रिस्प टाइम में वो अपना जो मैसेज है, जो कोर मैसेज है पृथ्वीराज चौहान जी का और जो उनके युद्ध की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छे से हमारे सामने उन्होंने दिखाई है। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा मुझे कि इतनी क्रिस्प है और अपना काम कर जाती है। एक्टिंग अक्षय कुमार जी की बहुत अच्छी थी, दिखता है कि उन्होंने अपना 100% दिया हुआ है। और जैसा कि हम उन्हें हमेशा देखते हैं कि कुछ अलग तरीके का कॉमेडी करते हैं या तो कोई एक सस्पेंस थ्रिलर या जो एक एक्शन हीरो के रोल में, एक अच्छा लगा कि उन्होंने एक डिफरेंट टाइप के अवतार में हमने स्क्रीन पर देखा। और जो इस टाइप का किरदार था जहाँ पे एक नेशनलिज्म नेचुरल होना चाहिए था, मुझे लगता है अक्षय कुमार एक बहुत ही नेचुरल चॉइस थे इस कैरेक्टर के लिए। संजय दत्त और सोनू सूद की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए सोनू सूद ने अपना काम बहुत अच्छा किया है और काफ़ी मौक़ों पर इनफैक्ट मैं सरप्राइज था कि उन्होंने जो इमोशंस और एक्सप्रेशंस जो दिए हैं पूरी फिल्म में वो बहुत हार्ड हिटिंग है, स्पेशली टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स। उनकी जो आई लैंग्वेज है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत अच्छा है। संजय दत्त की बात की जाए तो संजय दत्त जो है इस फिल्म का बहुत ही एक हिडन जेम जैसे कहेंगे वो है। उनका कैरेक्टर इतना अच्छा बनाया गया है कि जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है और हम एंजॉय करते हैं उनका स्क्रीन प्रेजेंस, और हम चाहते हैं कि जो काका काना है वो हमें और दिखे स्क्रीन पर। मनुषी चिल्लर और अक्षय कुमार की पेयरिंग बहुत अच्छी लगी, इनफैक्ट काफ़ी नेचुरल लगी कुछ सीन्स में, और जो उनकी ट्यूनिंग थी, डायलॉग डिलीवरी थी। और देखिए दिखता है कि दो एक्टर जब साथ में होते हैं तो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे स्क्रीन पे, वो इन लोगों में बहुत अच्छे से दिखाया। तो मुझे लगता है कि इन दोनों की जो पेयरिंग है उसे तो मैं अपनी तरफ से काफ़ी हिट मानूंगा। मनुषी चिल्लर की पहली फिल्म थी और ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा लगा नहीं कि उनकी डेब्यू फिल्म थी, क्योंकि जिस टाइप से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की, एक्सप्रेशंस दिए हैं और जो ओवरऑल जो उनका प्रेजेंस था स्क्रीन पे वो एक एक्सपीरियंस एक्टर का लग रहा था। और दिखता है कि उन्होंने इस फिल्म के पहले काफ़ी एफर्ट और काफ़ी प्रैक्टिस की है, काफ़ी मेहनत की है अपने इस रोल के लिए। अब देखते हैं कि सभी ने फिल्म को कितने स्टार दिए हैं। I'll give 4 out of 5. Film is good. 3 stars out of 5. 5 star. 10. 4 star. 5 out of 5. 4. 3 star. अक्षय के अलावा फिल्म में संजय दत्त, सोनू सूद, मानव विज और आशुतोष राणा मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म को डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। INS रिपोर्ट।